guys, welcome back to our channel. You're here with me, Sarita SMK. Today, guys, we're watching Triggered in San, and it is Legends of English. Funniest English Falls. Yeah, many English are being I learned that today. But anyway, let's just check this out. Go already. I keep wondering what it's going to be like. पृथ्वी के आरंभ से ही इंग्लिश पर निरंतर अत्याचार होते रहे हैं। कभी तो टिकटॉक वालों ने इंग्लिश को रुलाया। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कॉमेडी वीडियो है गाइस, पर नैन्सी एसियन गलत किया गया है इस वीडियो में सिर्फ कॉमेडी के लिए। अगर तुम फनी प्रोनंसिएशन वाली वीडियो बना रहे हो और तुम्हें खुद नैन्सी एसियन के स्पेलिंग नहीं आते तो सबसे बड़े बेवकूफ तो तुम खुद हो। यू कैन नॉट मेक अ जोक इफ यू आर अ जोक। तो कभी इन इंटरव्यू वालों ने इंग्लिश की तैसी करी। सर, आई एम वर्किंग विद BSNL टेलीफोन कंपनी। व्हेनेवर द लाइन गोज अप I ride the telephone khomba and make the line good. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब मैं समझा कि BSNL का नेटवर्क इतना बेकार क्यों है, क्योंकि जब भी उसकी लाइन खराब होती है ये बंदा टेलीफोन खोम्बा की सवारी करने बैठ जाता है। He rides the telephone khomba and make the line good. लेकिन इतने सब के बाद भी इंग्लिश सहती रही, सभी अत्याचारों से लड़ती रही। इसके बाद मर गई भाई इंग्लिश, फांसी लगा ली उसने खुद को। लगता है मेरी कनाऊ लेड़गे काफी कम है, जो मैं आज तक कनाऊ लेड़गे को नॉलेज बोल रहा था। कनाऊ लेड़गे नहीं, इट इज कनाऊ लेड़गे। आई नीड टू बिकम कनाऊ लेड़गे बल, तू भी थोड़ा सा सीख ले। अबे हग्गू, इसका नाम हग्गू है, ही इज नॉट वेरी कनाऊ लेड़गे बल। तो इसको देखने के बाद मैं एक शायरी पेश करना चाहूंगा। अर्ज किया है, पानी में चलती है मछली और हवा में उड़ता परिंदा है। वाह 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 वाह, पानी में चलती है मछली और हवा में उड़ता परिंदा है। इंग्लिश हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश बोलना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश की कनाऊ लेड़गे नहीं है तो आप ना बोलिए, हिंदी बोलिए और गर्व करिए। यू शुड बी प्राउड कि यार हम हिंदी बोलते हैं। बस ठीक है, इंग्लिश का ये फायदा होता है कि उसकी वजह से आपको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। मतलब देयर इज दिस स्टैट कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको 30% ज्यादा चांसेस है जॉब्स मिलने के। एंड अगर आप इंग्लिश की कनाऊ लेड़गे बढ़ाना चाहते हैं तो आप डुओलिंगो ऐप पे जाइए। इट इज एन अमेरिकन ऐप, चाइनीज नहीं है। और फिर तुम बोलोगे अरे बड़ी महंगी ऐप होगी, एकदम फ्री। फिर तुम बोलोगे अच्छा फ्री ऐप में एड्स बहुत सारी होंगी। एड भी नहीं है भाई, एड फ्री एक्सपीरियंस। 4.7 की रेटिंग प्ले स्टोर पे, 100 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर ऐप इट एक्चुअली इज। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। एंड तुम में से जो लोग बोल रहे होंगे मेरे को तो ऑलरेडी इंग्लिश आती है, मैं क्या करूंगा यार, तुम सिर्फ इंग्लिश नहीं, इस पे तुम फ्रेंच और स्पेनिश भी सीख सकते हो। एंड मैं भी एक्चुअली इस पे फ्रेंच की थोड़ी बहुत चीजें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जितना टाइम गेम्स वगैरह पे स्पेंड करते हो तुम, उसका थोड़ा सा भी तुम इस ऐप पे स्पेंड करोगे ना तो मुफ्त में तुम लैंग्वेजेस वगैरह सीख सकते हो। लिटरली सिर्फ 10 मिनट स्पेंड करना है तुम्हें दिन का, सो इट इज नॉट अ बिग डील आई थिंक। तो डाउनलोड कीजिए डुओलिंगो ऐप और अपनी लैंग्वेजेस की कनाऊ लेड़गे बढ़ाइए और बनिए कनाऊ लेड़गेबल। अब वक्त है आज की ब्रेकिंग न्यूज का। पिछले साल की तरह इस साल भी हमें फैन फेस्ट में नहीं बुलाया गया, लेकिन हमने उस फैन फेस्ट को रिव्यू करते हुए एक लाइव स्ट्रीम करी जो टेक्निकली फैन फेस्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि फैन फेस्ट तो बहुत ही बोरिंग था। हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के लेजेंड्स के बारे में, इंग्लिश के उन दिग्गजों के बारे में जिन्होंने इंग्लिश की ऐसी की तैसी कर रखी है। सबसे पहले आ रहे हैं द गॉड हिमसेल्फ, इंग्लिश के देवता भगवान, जो हमें ये बताने वाले हैं कि डायनासोर क्या होता है। हु विल ए डायनासोर, हु विल ए डायनासोरस। ओके, द डायनासोरस विल ए एनिमल, ही विल बी स्टे इन अ इंडिया जंगल, ही विल बी स्टे इन अ इंडिया जंगल, but you are also able to see him in a zoo, like for example
in a Delhi zoo, you can see a dinosaurus. Miguel, what he say? I know you know, understand, because your knowledge is very low, his knowledge is very high. You know, you need knowledge to understand what he say. But I understand. This man, this same man, make video long time back, earth flat. He prove earth flat. Earth not around, he will flat. Then he make video, me very bullshit man. He will made a dirty video for me. His name will trigger insan. But then I say sorry, then we became friends. Yeah, but then he again make video, me most dangerous persons in the world. And you have the triggered insan. Sir, me not dangerous persons, I am friend, okay? Okay. Now me explain what is he. He's a dinosaur in jungle, in zoo, Delhi zoo, he see. Inhone dekha hai. Sometimes you are make confused for a dinosaurus and other animals who will look just like a dinosaurus. So, this animals, his name will a... Bulya. Bulya. हिप्पोपोटामस। ओके, तो जो सर का कहना है कि आप जो है कभी कभार एक डायनासोर और एक दूसरे जानवर के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, एंड इस दूसरे जानवर का नाम है हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस। बट फिर भी कोई एक डायनासोर और एक हिप्पोपोटामस में कैसे कंफ्यूज हो सकता है? आई एम कंफ्यूज। हिप्पोपोटामस डायनासोरस will looks like a same but a actually what? A different what? Hippopotamus और dinosaur एक जैसे दिखते हैं भाई, किसकी कनॉलेज गई इतनी कम है? कब से ये प्राणी और ये प्राणी एक जैसे कब से दिखने लग गए? He will like not like a brother but like a uncle child's like oh that my God. Brother not the mother child brother Chakir no da munda. He will like that like not the real brother. मुझे literally ये चीज तीन बार सुननी पड़ी ये समझने के लिए कि ये कहना क्या चाहता है। So basically he meant to say कि एक dinosaur और hippopotamus जो है वो real भाइयों की तरह नहीं है, mother child brother no, they like uncle child brother, cousin की तरह है। अच्छा बोले ऐसा होता है। So the hippopotamus will looks like this. So ये if you see ये hippopotamus है जो कि है बिल्कुल। The dinosaurus he will looks like this. What? Yeah, they will both look very, very same. The body will almost the same, but is some different in the dinosaurus. Dinosaurus. If you see the dinosaurus, bus. जो भाई बस इतने कनॉलेजेबल कैसे हो आप? इतनी कनॉलेजे कहाँ से आई आपके में? इतनी देर से ये बंदा डायनोसॉरस बोल बोल के राइनोसॉरस की बात कर रहा था, और मैं सोच रहा हूँ कौन सा डायनोसॉर? हिप्पोपोटामस। इसने मेरी इंग्लिश भी खराब कर दी, मेरी कनॉलेजे भी चली जाएगी सारी। कौन सा डायनोसॉर? हिप्पोपोटामस के जैसा उसका कजन भाई दिखता है। तालियां हो जाए गाइस एक बार इस बंदे के लिए। अद्भुत। नेक्स्ट लेजेंड है मेरा पर्सनल फेवरेट, हसीनाओं के दिल का राजकुमार, उनकी रातों की नींद चुराने वाला लिपस्टिक रिमूवर, मैक्स नेपाली। मी एंड माय लार्ज ब्रदर सेल्फिश विद उमरी का पेप्सोडेंट मिस्टर डाउनलोड ड्रम। मिस्टर डाउनलोड ड्रम उमरीका के पेप्सोडेंट मिस्टर डाउनलोड ड्रम। भाई मारो मुझे मारो। एंड क्योंकि उमरीका के पेप्सोडेंट मिस्टर डाउनलोड ड्रम की बात हो ही रही है, एज द ग्रेट रिलीजियस टीचर स्वामी विवेकानंद व्हाट सेड, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जाया से हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर छोटे छोटे से नहीं होते पापा। हेली की पोतल मुझे भी छवाली करनी है। वे तारे जमीन पर आई डोंट नो के डबल सवारी लगी है। आई डोंट आई नो आई नीड न्यूज बट आई डोंट नो आई सी दिस न्यूज बट आई डोंट यस आती है बट
मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज नहीं देखी स्कूल में, जब भाई का आंसर नहीं आता होता। I need, I think, yes, nature amazing, give me, yes, this dog, kutta, amazing, bhau, 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 nahi bhagega, sorry, he fly, go, udiya, and now, yes, aatiya, but, thank you, sir, pass. Hello, my name is Jumar. Every 60 seconds in Africa, a minute passes. Together we can stop this. Every 60 seconds a minute passes. 60 seconds is equal to 1 minute. एंड में मैं बस एक ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा इन दीदी जी को, इन्होंने एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पे जिसपे 10 मिलियन व्यूज है, हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 5 स्टेप्स। एंड लेट मी टेल यू गाइस, अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सिखा रही है दीदी जी इंग्लिश में। इंग्लिश लर्निंग इज अ हैबिट दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट। आई गेस व्हेन आई वाज इन क्लास 5 और 6 आई वुडंट हैव एवर इमेजिन दैट आई कैन लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। समझ रहे हो तुम, अगली इंग्लिश बोलना सिखा रही है इंग्लिश में, तो सपोज मेरे को ऑलरेडी इंग्लिश आती है तो मैं क्या करूंगा इसकी वीडियो देखे? मेरे को तो ऑलरेडी इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन अगर मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो भी मैं क्या करूंगा इसकी वीडियो देखे? क्योंकि मेरे को तो इंग्लिश बोलनी आती नहीं है और ये इंग्लिश बोलना सिखा रही है इंग्लिश में, लेकिन मेरे को तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती ना, क्योंकि मेरे को तो इंग्लिश बोलनी आती नहीं है, तो इसका मतलब मेरे को तो समझ नहीं आएगा ये इंग्लिश में क्या बोल रही है, तो इंग्लिश एक्सेप्शन हो गया, कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बट इनकी वीडियो देखकर आप इंग्लिश बोलना सीखे ना सीखे, लेकिन डुओलिंगो ऐप पे आप जरूर इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड आई प्रॉमिस, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ एंड उसका रीजन ये था कि आजकल ना मैं थोड़ा सा लाइव इंसान वाले चैनल पे, गेमिंग चैनल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने लग गया, मैं गेमिंग में थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन अभी मैं वापस आ चुका हूँ इस चैनल पे और अब रेगुलर वीडियो आएगी, और अगर अगले अच्छा चलो 4 दिन में वीडियो नहीं आई ना तो जिस गली से मैं गुजरूं वहां मेरा पुतला जला देना। नहीं ऐसा कुछ मत करना एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओह माय गॉड, ही इज सो सो गुड, ही इज सो गुड, लाइक yeah, he needs to carry on this. Don't stop this for your gaming, mate. What I was going to say is, we only started watching him about a week or so ago. And the last one we watched, I wanted to say, I felt like, you know, when how he was explaining the last one we watched, his birthday, and the background, the gaming thing, you feel like you're on a journey with him, like you're actually going for a walk, and you're really interested in what he's got to say, and, you know, you're watching, you get so captured in it, the way he's explains. He's become like a favourite of mine. I swear, he's just too good. And how did you not know about him before? Why? And I love that he roasts, and he like loads of people said, he doesn't swear or do anything like that. But it's not only his roasting, he's not aggressive or anything, but his mannerism and the way he talks and the way he puts those clips in. Yeah. I just really find it really good. You know what I mean? And do you know what I mean? I do like it. Yeah. I like it a lot. I mean, watching this one, I've watched so many other videos, and he's made me really laugh. Like, you know, and not just what those people are doing, but him also talking about what they were doing. Yeah. It wasn't just like, I could watch that and go, oh, okay, you know, that's silly. But he makes it humorous and hilarious, and the way, I mean, I can't still stop thinking about chicken leg piece, you know what I mean? That still comes on. No. I think everything we watch of his has been brilliant so far, definitely. But it's like he had this app, he's advertising his app, and you'd want to like send him workloads of stuff because the content he comes out with around it. And that was just amazing. But I will say, trigger and sign, if you do end up watching our reaction video, you know your set kind of thing like that, I'll watch every single time, you know the two doors that you've got like that, for some reason I keep on thinking that they're like lift doors and I'm just waiting for it to open and someone just to be standing there and going, you know, like what the heck, like even if it was that guy who was the, you know, dinosaurus, can you imagine he's doing a roast on him and he's there going, yeah, this is, I'm your friend, I'm not dangerous and all that, and all of a sudden the door just goes and he's standing there going, and they're going, he's behind you, triggered in zone, he's there, and you're like going, honestly, for some reason, have a look, if you look, obviously you see it, who else thinks this, you know, it just looks like those two doors, I don't know if you've been to other places, but they just look like they're two lift doors. He's got one on that side and one on that side, but I'm not roasting or saying anything, but
in a bad way, but I'm saying I really like your videos. I do really, it's really, really good. Enjoy. And like you said, he doesn't have to be aggressive. He doesn't have to swear or anything. And he just he's respectable as well. Do you know what I mean? Yeah. He's really great. And yeah, the way he's joking and saying the stuff that he does, he'd spot have on. Us in stitches. Guys, any other videos have triggered inside? I know you guys have already asked. So I think it's Truthful Dare. We'll probably do that one next, but after that, what else is there? Let us know, and let us know what you guys thought of the video anyway. And as always, make sure you click on the like button, share it with people you know, and you know, even the dinosauruses, share it with them as well. The best. And, I don't care. And the knowledge. And hopefully, we'll see you in the next one. Take care, see you soon. Bye.